Hello students, welcome to this video. So in this video we will discuss about the paper of 3 year Maharashtra CET law 2020 day 2. Okay, aapko pata ye jo exam hai wo finally ho chuka hai, do din mein paper tha, ek day 1 and ek day 2, that is 2nd of November and 3rd of November. And kafi sare students jinka paper aaj tha, they are comparing ki kya ye jo day 2 ka paper tha wo day 1 se easy tha ya difficult tha and what to do now. फाइन सो सबसे पहले ये स्लाइड आपको याद होगी, मैंने कल के प्रीवियस जो वीडियो था उसमें भी आप लोगों को बताया था कि टॉपिक्स जो है यहाँ से ही आएंगे एंड इंग्लिश इट वाज वेरी मच सिमिलर टू यस्टरडेज पेपर, जो भी तीन स्लॉट थे सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस थे. लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पे जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं आपके जिसको ट्रेडिशनल लॉजिकल रीजनिंग भी कहा जाता है, यहाँ से कम या ना के बराबर क्वेश्चंस थे. बट आपका अरेंजमेंट्स जो सिटिंग अरेंजमेंट्स है, पजल बेस्ड क्वेश्चन थे, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन थे. ओके 20 प्लस क्वेश्चंस आपको यहां से ही थे. इनपुट आउटपुट जैसा कि हमने आपको बताया था कि यहां से आ सकता है, तो आज ये पेपर में देखा गया. नो चेंजेस हियर एंड जीके आल्सो नो चेंजेस कंपेयर टू यस्टरडेज पेपर. फाइन सो ये रहे कुछ स्टूडेंट्स के व्यूज. पेपर वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट, लॉजिकल वाज डिफिकल्ट. ओके लेंथी आल्सो, ऑल प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस व्हेन इट कम्स टू लीगल. कल भी जितने भी तीनों जो स्लॉट्स में एग्जाम हुए सब जगह लीगल प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन थे, आज भी सेम देखा गया. एंड लॉजिकल ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चन वेयर पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट. सो जैसे कि कहा मैंने 20 के ऊपर 30 में से 20 से ज्यादा क्वेश्चन अप्रॉक्सिमेटली 23 या 24 क्वेश्चन आपके पजल्स पे थे. एंड जीके क्वेश्चन वॉज गुड बट पैराग्राफ येस सो टाइम कंज्यूमिंग. योर क्वेश्चन इज वेरी हेल्पफुल फॉर द एग्जामिनेशन, थैंक यू. एंड येस सो जीके बूस्टर जो हमारा टेस्ट पैक था जिसमें जीके के ऊपर 18 से ज्यादा टॉपिक्स के क्वेश्चन थे. So this student says that this helped me a lot. That's great. Thank you so much. And the paper was tough. Your mock test was useful. I had given just on the night before exam. It was quite helpful. Thank you, sir. Most welcome. So overall, when it comes to the paper analysis, so English ka section easy tha across the slots. Logical reasoning, yes, it was difficult compared to day one. Legal, moderate. जीके एंड करंट अफेयर्स मॉडरेट. ठीक है, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं था कल के पेपर से. लॉजिकल रीजनिंग आज का पेपर टफ इसलिए हो गया क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस थे वो आपके सीटिंग अरेंजमेंट्स एंड पजल बेस्ड थे. ओके लीगल का सारे के सारे क्वेश्चन लीगल रीजनिंग बेस्ड थे जैसा कि हमने कल के वीडियो में भी बताया था. एंड जीके एंड करंट अफेयर्स में मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे. नाउ व्हेन इट कम्स टू डिफिकल्टी लेवल डे वन वर्सेस डे टू, ये जो हमारा पोल यूट्यूब के चैनल पर चल रहा है ऑलरेडी, ये चेंज हो सकता है. कल का भी जो हमने स्क्रीन शेयर किया था, जो पोल शेयर किया था, उसे काफी चेंज हो चुका है बिकॉज दिस इज स्टिल लाइव. ओके काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कल के एनालिसिस के बाद भी उस पर टिक किए एंड ये अभी भी लाइव है, तो ये आपको चेंजेस देखने को मिल सकता है. सो स्लॉट वन का अगर हम पेपर की बात करें, डे वन, सो ऊपर की जो तीन है ये डे वन है, स्लॉट वन, स्लॉट टू, स्लॉट थ्री. एंड ये जो है डे टू के हैं, स्लॉट वन, स्लॉट टू एंड स्लॉट थ्री. सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पेपर वॉज डिफिकल्ट, मैक्सिमम जो लोगों ने वोट किया है डिफिकल्ट, स्लॉट टू डिफिकल्ट, स्लॉट थ्री डिफिकल्ट. व्हेन इट कम्स टू डे टू 77% जो लोग हैं यहाँ पे कहें कि पेपर वॉज डिफिकल्ट, यहाँ पे 71 एंड यहाँ पे 83. यहाँ डे वन में स्लॉट टू वो 61, डे टू स्लॉट थ्री 71% लोगों ने कहा कि पेपर डिफिकल्ट था एंड डे वन स्लॉट थ्री 52% लोगों ने कहा कि पेपर डिफिकल्ट था. तो अगर हम एक एनालाइज करेंगे तो मोर ऑर लेस मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का यही कहना है कि पेपर डिफिकल्ट था. इन माय व्यू यस पेपर वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट. एंड जनरली अगर इस केस में काफी सारे अगर जो डिफिकल्टीज लेवल है अगर वो सेम लेवल के नहीं होते हैं तो जो एग्जाम बॉडी होती है सीईटी सेल वो आपका पेपर नॉर्मलाइज करते हैं और अकॉर्डिंगली आप लोगों को एक नया स्कोर मिलता है. ठीक है. And so next video mein we are going to discuss about the cutoffs for the colleges and admission process. What to do now? See my suggestion, aap thoda sa break le lo. Okay, kyunki kafi dinon se jo exam thi wo June mein hone wali thi, 28 June ko iska date tha, but due to COVID-19 ye postpone hote gaya aur ab jaake exam hui hai aapki in the month of November. So my suggestion, just stay positive because better days are on their way. So just be relaxed. Okay, aap 3-4 din rest kijiye, bilkul mat sochiye ki paper kaisa tha. ओके बिकॉज जो अभी होना था वो हो चुका है. राइट आपने बहुत मेहनत किया, आपका पेपर भी हो गया. जस्ट रिमेम्बर वन थिंग कि जो पेपर था अगर डिफिकल्ट था तो वो सबके लिए था, सिर्फ आपके लिए नहीं था.
ओके सो जो कट ऑफ्स हैं वो भी सबके लिए कॉमन होने वाले हैं. सो डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो में हम कट ऑफ्स के बारे में बात करेंगे. तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच. थैंक यू.